हेलो एवरीवन, गुरुज क्रिएटिव फूड लैब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक सी नई रेसिपी बनाते हैं। समर चल रहा हो और कच्चे आम से कुछ ना बनाए, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज जो रेसिपी बनने वाली है वो कच्चे आम से बनने वाली है, वो है रो मैंगो राइस। यस, उसमें से हम राइस बनाने वाले हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बनाते हैं रॉ मैंगो राइस। जो आज हम रॉ मैंगो राइस बनाने वाले हैं, उसके लिए मैंने जो यहाँ पे राइस लिया है वो एक दिन पुराना राइस है। ये जो राइस हम बनाने वाले हैं उसमें आप ठंडा राइस या एक दिन पुराना राइस लेंगे तो बहुत बढ़िया बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे ऑयल, 1 टेबलस्पून जितना हम ऑयल लेंगे। ये थोड़ा गर्म हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे फिर मस्टर्ड सीड्स, ये थोड़ी फूटने लगे। मस्टर्ड सीड्स हमारी फूटने लगी है, इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ते और इसके अंदर जाएगा ये ग्रीन चिली। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये है चना दाल और ये है उड़द दाल। अब ये हल्का सा थोड़ा इसमें कलर आ जाए तब तक इसे हम भूनेंगे। इसके अंदर हम थोड़े से पीनट्स डालेंगे, ये हमारी चना दाल और उड़द दाल का कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हमने इसमें ये पीनट्स डाले हैं, ये थोड़े से पीनट्स हमारे फूटने लगे। पीनट्स हमारे फूटने लगे हैं, ये है कच्चा जिसे मैंने ग्रेट किया है और थोड़े से मैंने इसमें पीसीस भी डाले हैं, ये देखिए, और थोड़े से मैंने ये ग्रेट किए हुए हैं। ये दोनों मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चीनी। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहे तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसके अंदर लास्ट में हम डालेंगे नमक। ये तड़का हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। ये तड़का हमारा रेडी है, इसके अंदर लास्ट में डालेंगे हम धनिया। और ये हम जो हमारे पास हमारा इसे बंद कर देते हैं, जो हमने राइस लिया है उसके अंदर इसे हम डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं राइस को पूरा इसके साथ अच्छे से। ये देखिए राइस हमारा हमने मिक्स कर दिया है, अब इसे हम सर्व कर देते हैं। ये देखिए हमारा रॉ मैंगो राइस रेडी हो गया है। मैं इसे टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है। कच्चे आम की जो फ्लेवर आ रही है बहुत ही बढ़िया, चने की दाल, उड़द दाल, पीनट्स, वाव, जैसे मैं आनंद उठा रही हूँ ना इस चीज का खाने से, वैसे आप भी अपने घर पे बनाकर इसे जरूर खाएं और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप बनाते हो घर पे तो इसका पिक्चर लेके मुझे जरूर टैग करें। थैंक यू दोस्तों।